यूपी के कैसरगंज से बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह एक बार फिर से चर्चाओं में हैं। वजह है उनका एमपी चुनाव में सक्रिय होना। जमानत पर बाहर चल रहे बीजेपी सांसद इन दिनों चुनावी माहौल के बीच लगातार एमपी का दौरा कर रहे हैं। इस कड़ी में हाल ही में वो इंदौर में करणी सेना के कार्यक्रम में पहुंचे, जिसके अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि इसी साल के अंत में एमपी में चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले मौजूदा बीजेपी सरकार के सामने काफी बड़ी चुनौती है। इन चुनौतियों के बीच करणी सेना भी बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा रही है। करणी सेना लगातार एमपी सरकार को अपने 21 सूत्रीय मांगों को लेकर घेर रही है। हाल ही में करणी सेना ने ये भी कहा कि अगर राजपूतों को टिकट नहीं दिया गया तो वो निर्दलीय प्रत्याशी उतार देंगे, जिसकी वजह से ऐसा माना जा रहा है कि इससे बीजेपी को नुकसान हो सकता है, क्योंकि क्षत्रिय बीजेपी का कोर वोटर रहा है और बीजेपी इसे लेकर किसी भी तरह के रिस्क उठाने के मूड में नजर नहीं आ रही है। माना जा रहा है कि करणी सेना को मनाने के लिए अब ब्रजभूषण मैदान में उतर गए हैं, क्योंकि करणी सेना राजपूतों का संगठन है और ब्रजभूषण राजपूत समुदाय से आते हैं और उनका अपने समाज में अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। ऐसे में चुनाव से पहले करणी सेना के कार्यक्रम में ब्रजभूषण का जाना काफी अहम माना जा रहा है। हालांकि जब ब्रजभूषण से इस मुलाकात से जुड़ा सवाल किया गया तो उन्होंने इस मुलाकात को गैर राजनीतिक कार्यक्रम करार दिया। बता दें कि एमपी में 10 से 12 फीसदी के करीब राजपूत हैं, जिनमें से ज्यादातर बुंदेलखंड, चंबल, मालवा में अपना प्रभाव रखते हैं। वहीं राज्य में 70 ऐसी सीटें बताई जाती हैं जहां औसतन इनकी संख्या 10 से 12 हजार बताई जाती है। ऐसे में ब्रजभूषण का करणी सेना से मिलना काफी कुछ कहता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।